पिछले 10 दिन में राजस्थान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। इससे बढ़ते कोरोना संक्रमण का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार के स्तर पर लापरवाही भी साफ दिखाई दे रही है, फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों की। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए गाइडलाइन बदली गई है, सख्ती भी कुछ हद तक बढ़ाई गई है, लेकिन बढ़ता पॉलिटिकल टूरिज्म संक्रमण के बढ़ने का अंदेशा बढ़ा रहा है। नए वेरिएंट की चुनौती के बीच राजनीतिक दलों के बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, और ये तब हो रहे हैं जब राजस्थान की स्कूलों में संक्रमण बढ़ा और उसके बाद गृह विभाग की नई गाइडलाइन आई। इन राजनीतिक आयोजनों में गाइडलाइन की पालना शायद ही संभव हो पाए, ऐसे में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है जिसको राजनीतिक दल नजरअंदाज कर रहे हैं। पहली लहर के बाद भी स्थितियां कुछ ऐसी ही बनी थी, जिसका नतीजा दूसरी लहर में जनता ने देखा भी था। नए वेरिएंट की चुनौती के बीच भले ही बूस्टर डोज लगाने पर फैसला नहीं हो पाया हो, लेकिन राजनीतिक दल सियासत को बूस्टर डोज देना नहीं भूल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक तब ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक, यानी कि शुरुआत हो चुकी है, उसे कर गया है। अब तक 29 मुल्कों में ये वेरिएंट पाया गया है, जिसके 373 मरीज पाए गए हैं। लेकिन अगर यूरोप के आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो लगभग 3.5 लाख लोग संक्रमित मिले पिछले एक सप्ताह में, 29,000 लोगों की मौत हुई है। खैर चलिए, लेकिन बात हम राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में कोरोना के बीच दो बड़ी रैलियां होंगी, एक भाजपा कर रही है तो दूसरी कांग्रेस कर रही है। बेशक इस मामले को लेकर के एक दूसरे पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन शीश के मेल में दोनों ही बैठे हुए हैं। तो चलिए, कोरोना का डर है और दूसरी तरफ रैलियां की जा रही हैं, ऐसी रैलियों में क्या उम्मीद करेंगे आप कि प्रोटोकॉल का पालन हो पाएगा, कोई मास्क लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी? हमने मैच को अभी देखा, उसमें क्या पोजीशन रही, उसके बाद अमित शाह साहब का रोड शो का रूट लाइन कम कर दी गई है, लेकिन भीड़ जो बताई जा रही है, बीजेपी का दावा है लगभग 40,000 से 50,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो उसमें उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ देश भर की यानी कि बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है, और
महंगाई के खिलाफ ये रैली होगी जिसमें देश भर से लोगों को बुलाया जा रहा है। कर्नाटक जहां पे ओमिक्रॉन के वेरिएंट के पेशेंट मिले हैं वहां से भी आएंगे, और महाराष्ट्र केरल जहां पे अभी भी बताया जा रहा है कि लगभग 70% पेशेंट इन्हीं राज्यों में देखे जा रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि कोरोना के बीच अगर 2023 की भी तैयारी तो राजनीतिक दलों से ऐसी क्या जल्दी है कि इसे टाला नहीं जा सकता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हैं, कांग्रेस नेता आरआर तिवारी साहब हैं, भाजपा नेता मुकेश पारिख साहब हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ कोरोना का खतरा, सरकारें तब से गुजारिश कर रही है कि प्रोटोकॉल का पालन करिए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और बेवजह घर से ना निकलें, सारी बातें, लेकिन जब रैलियां होंगी तो आप आम जनता से उम्मीदें कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, राजनीतिक पार्टी जो कि दिल्ली में मना कर रही है रैली के लिए, और वही अमित शाह जयपुर में आकर के अपना जनप्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं। कांग्रेस को क्योंकि मना कर दिया है तो कांग्रेस करे कहां आखिर अपना महंगाई हटाओ सम्मेलन। वो सम्मेलन भी हमारे यहाँ जयपुर में करने की निश्चितता हो रही है, तय भी कर लिया कि जयपुर में आएंगे, 1 लाख लोग आएंगे। अब क्योंकि कोरोना किसी को कह करके नहीं आता है, आपको पता, और जिस तरह की स्थितियां हमने सेकंड दौर में जो देखी और जितने लोग हमारे यहाँ पीड़ित हुए और यहाँ से चले गए, आज की स्थिति में यदि देखा जाए, यदि दोनों रैली होंगी तो पूरे यहाँ तो एक पूरे प्रदेश के बुला रहे हैं भाजपा तो, और कांग्रेस बुला रही पूरे देश के। और उस वक्त हमारी सरकार जो अशोक गहलोत की है वो 3 साल करीब पूरे करेगी 17 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को ही एक जश्न के रूप में बनाने की बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि राजस्थान में हो रही है देश की रैली कांग्रेस की, और ये फिर से 2023 की तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। अमित शाह भी आकर के गुर सिखाना, क्योंकि इनके जेपी नड्डा फेल हो गए, जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को कुछ सबक नहीं सिखा पा रहे हैं। मतलब सक्रियता की भूमिका में जो होनी चाहिए, जो यदि पहले आए थे कार्य समिति की बैठक हुई थी जेपी नड्डा, लेकिन उसका असर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सीधे तौर पर नहीं पड़ा। इसके कारण अमित शाह को लाना पड़ रहा है इनको, और अमित शाह को लाना पड़ रहा है तो रोड शो भी करेंगे, रोड शो का निश्चित रूप से इन्होंने कम किया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप दिल्ली में तो कांग्रेस को कह रहे हो कि कोरोना बढ़ रहा है इसलिए हम अनुमति नहीं दे सकते, और राजस्थान में आकर के आप दोनों ही अमित शाह भी उल्लंघन करवाएंगे और फिर कांग्रेस भी जिसको नहीं करने दे रहे वो यार राजस्थान जयपुर में ला रहे हैं। तो आखिर आम लोगों को किस तरह से आप सीख देने की शिक्षा दे पाओगे? दोनों जनप्रतिनिधि हाई लेवल के हैं, देखिए सोनिया गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगे, राहुल भी आएंगे और बाकी इनके नेता भी आएंगे, और महाराष्ट्र से केरल है और आपके कर्नाटक है जहां पर की कोरोना का अभी जो वेरियर आ रखा है जिसके कारण स्थिति विस्फोटक होने वाली। क्या राजस्थान को इसलिए चुना गया है कि आने वाले समय में राजस्थान फिर तीसरी लहर की चपेट में आ जाए और जो इकोनॉमी हमारी ठीक हो गई है, जो हम स्थिति में ठीक में आए फिर से हम पीड़ित हो जाए? तो इसलिए राजनीतिक लोगों को निश्चित रूप से इस तरह सोचना चाहिए, और राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को बीमार नहीं करो, प्रदेश को बीमार करने की दोनों ही पार्टियां जो साजिश रचती है उसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा, दिल्ली में ना है, राजस्थान में रैली की अनुमति दी जा रही है, कोरोना काल है, मुख्यमंत्री एक तरफ तो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ रैली की तैयारियां होंगी। योगेंद्र जी, हमारा जो काज है वो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। हम यहाँ कोई संगठन की मजबूती में या गुर सिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री तो यहाँ रोड शो कर रहे हैं। हम तो एक जगह इकट्ठा होंगे, और फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना चलेगा लेकिन जीना भी है। राजस्थान की राजधानी में हमको ये सम्मेलन इसलिए करना पड़ रहा है, जैसे अभी श्याम जी बता रहे थे, दिल्ली में गवर्नर जनरल जो इनके हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचते हैं, उन्होंने दिल्ली में रैली करने से इनकार करवा दिया, उन्होंने अनुमति प्रदान नहीं करी। महंगाई आज देश में जिस चरम सीमा पर है, आज आम आदमी वो मध्यम वर्ग का हो चाहे वो गरीब वर्ग का, और उसके घर का रसोई का खर्चा इस तरीके से बढ़ गया है, 8-10 हजार रुपए महीने वाला 1 हजार का सिलेंडर खरीदने पे मजबूर हो रहा है।
8-10 हजार रुपए वाला 105 रुपए का लीटर पेट्रोल खरीदने पे मजबूर हो रहा है, 95 का डीजल खरीदने पे मजबूर हो रहा है, दालें 200 रुपए से पार चले गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोल रहा है, सब्जियां हमारी जेब से बाहर चली गई 100 रुपए का टमाटर, पार्लियामेंट है ना सर इन तमाम चीजों के लिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट है अभी तो। भारतीय जनता पार्टी 3 मिनट में किसानों के बड़े मुद्दे को खत्म कर देती है, बोलने नहीं देती है, 3 मिनट में राज्यसभा लोकसभा में बिल को पास करवा देती है, ये भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवादी नीतियों से चल रही है। आप काला कानून लाए थे तो अध्यादेश के जरिए लाए थे, आपने फिर जनतंत्र को दिखाने के लिए आपने कहा संसद का अधिवेशन बुलाएंगे, अरे वो अध्यादेश से भी समाप्त हो सकता था, लेकिन आप वहां बोलने की इजाजत ही नहीं दे रहे योगेंद्र भाई, सांसदों को वहां पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दिया, सुनने को तैयार नहीं है, जनता की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा राज्यसभा में जनता का प्रति बोल नहीं पा रहा योगेंद्र भाई। तिवारी जी आपकी जो भीड़ है वो देश हित में है, बीजेपी जो भीड़ जुटाएगी वो संगठन की मजबूती के लिए जुटाएगी, तो मतलब आपकी भीड़ को नहीं टाला जा सकता क्योंकि देश हित में है, बीजेपी टाल सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बीजेपी तो टाल सकती है, हम तो देश के करोड़ों लोगों की आवाज बीजेपी की भीड़ में आएगा, लेकिन तिवारी साहब कोरोना अगर आया कहीं पे तो बीजेपी की भीड़ में ही आएगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोरोना हमारे नहीं आएगा या उनके यहाँ आएगा, ये कह रहा हूँ जनता का काज है, हमारा उद्देश्य पवित्र है, और फिर ये पैनिक कब तक चलेगा, देश में उद्योग धंधे भी चलेंगे, आज ही आपने देखा होगा 1,31 करोड़ रुपए आपको जीएसटी में मिला, व्यापार अपनी गति पे आया है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, हमको डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बात जरूरी है कि जो आईसीएमआर ने हमको बताए हैं कि आपको कैसे रहना है, कोशिश करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे योगेंद्र भाई कि हम भीड़ में। मुकेश जी कांग्रेस की रैली देश हित में है ये टाली नहीं जा सकती क्योंकि सरकार की आंखें खोलनी है, लेकिन बीजेपी टाल सकती है, आपको तो संगठन ही मजबूत करना है, 2023 में है चुनाव, अभी आपने सुना तिवारी साहब को। देखिए पहले एक्चुअल में आपका जो मूल प्रश्न था तिवारी जी ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने बात रखी पहले मैं चाहूंगा मैं उसका जवाब दूं। देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, इनको ये तय करना है कि प्रदेश की जनता को कोरोना से कैसे बचाना है। अब कोरोना से बचाना है तो इन्होंने जब दिल्ली में इनको परमिशन नहीं मिली तो इन्होंने ये रैली राजस्थान की जनता पर थोप दी। वास्तविकता ये है कि इनको जनता के हितों के लिए लड़ाई के लिए ये रैली नहीं है, रैली इनके अपना जो स्वयं का वर्चस्व जो समाप्त हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आगामी चुनाव में सरकार बनाने लायक सीटें ला सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस पार्टी का नेता विदेश में रहता हो और जो गंभीर नहीं हो उसके उस पार्टी को हमारी इस जो सारा एक संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं उसमें शामिल करना चाहिए। कपिल सिब्बल कुछ और बोल रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर नहीं, मैं तो लेकिन मुद्दे पे आऊं, चलिए आपको भी मैंने बोलने की छूट दी है, जैसे तिवारी जी दाएं बाएं चल रहे थे मैं आपको भी दूं, लेकिन बात मूल मुद्दे पे लौटिए आप लोग कि मैं क्या होगा अगर राजस्थान में, मैंने आपसे पहले क्या मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि मैं मूल मुद्दे से का तिवारी जी ने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही उसका जवाब देना जरूरी था। वास्तविकता में ये कोई महंगाई के विरुद्ध रैली नहीं, ये कांग्रेस का जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व क्षमता विहीन और नेतृत्व विहीन हो चुका है उसके लिए एक अपनी साख बचाने के लिए आपका जो मूल प्रश्न है मुकेश, आपका मूल चिंता जो है, सुनिए मुकेश जी, एक तरफ आपका स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को आगाह कर रहा है कि ओमिक्रॉन एंटर कर गया है, 2 केस मिल चुके हैं, ओमिक्रॉन 5 गुना तीव्र गति से फैल रहा है, तो फिर ये टाला नहीं जा सकता अभी इनको? बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंताजनक और हमने कोविड की मार को बहुत भयावह स्थिति में देखा है। मैं आपको ये बात फिर दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस में कांग्रेस की जब राजस्थान प्रदेश में सरकार है तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति के लिए एक सत्ता में जो पार्टी रहती है उसका नैतिक दायित्व तो होता है कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार से हमको क्या क्या सीमाएं तय करनी है और किन किन चीजों की परमिशन देनी है। आप देखिए अभी क्रिकेट का मैच हुआ जयपुर में हाल ही में, अब चूंकि आरसीए के अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं
तो इन्होंने वहां पर जिस प्रकार से धज्जियां उड़ी, अभी श्याम जी ने शायद ये बात नहीं रखी, जिस प्रकार से स्टेडियम में धज्जियां उड़ी और जिस प्रकार से वहां पर जो दर्शक थे वहां पर किसी भी तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कराया गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मुकेश जी, आप लोग ये दृश्य केवल जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहीं क्यों देखते हैं? जहां आपकी सरकार है वहां पे भी मैच हुए, वहां कहती सबके मास्क लगे हुए। योगेंद्र भाई, सचिन पूनिया जी के जन्म से 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुकेश पारिक हम पर आरोप लगा रहे हैं। तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, मुकेश पारिक जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो सही एक बार। तिवारी मुकेश जी, जहाँ कोविड आप लोगों की गठबंधन सरकार है या जहाँ बीजेपी की सरकार मैच, वहां पे भी वहां की स्थितियां देखी आपने? बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, कोविड एक ऐसा मामला है जो राजनीति से ऊपर उठ के मामला है। अब चूंकि राजनीतिक पार्टियों की एक ये, मैंने आपको पहले ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस, जब इन्होंने तिवारी जी ने ये बात रखी कि हम क्यों रोड शो कर रहे हैं और ये क्यों रैली कर रही है, इसलिए मेरे को ये जवाब देना जरूरी था, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कोविड की जो गंभीरता है, जो कोविड के बारे में जिस प्रकार से हमको सबको सावचेत रहना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के इस कोविड से बचने के प्रयास करने चाहिए, उसमें मेरा ये मानना है कि राज्य सरकारों को इसके लिए जो भी अपने स्तर पर कड़े नियम पालन जो भी उनको लागू करना हो वो करें। और मैं आपको ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार अगर ये निर्णय लेगी और राजस्थान सरकार अगर ये निर्णय लेती है कि कांग्रेस की रैली को भी परमिशन ये यहां नहीं देती है, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे सरकार जिस प्रकार का अपना आचरण करेगी तो जनता भी उस बात को गंभीरता से नहीं लेती है। मेरा तो यही कहना है और यही आग्रह है कांग्रेस की सरकार से कि राजस्थान में कोरोना की वापस भयावह स्थिति नहीं हो, कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए जो सरकार कर सकती है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग देगी। प्रदेश की जनता जब भी आपको सहयोग देगी, जब आप आचरण उसके अनुरूप करेंगे, आप कहेंगे क्या करेंगे क्या, अगर फर्क होगा तो ये नहीं होगा। वापस लौट रहा हूँ सर, वापस लौटूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको, सबके अपने अपने दावे हैं, पोल दूसरे के पाले में डाली जा रही है, ऐसे में लगता है आपको कि जनता तो ये तो तय है कि खुद के भरोसे होगी सरकारों का, राजनीतिक दलों का बस एजेंडा जो अपना है बस उसी पे चलेंगे, सर जनता के लिए कहा जा सकता है कहना बहुत सहज है, लेकिन जो कथन और करनी, यानी कथनी और करनी दोनों में काफी अंतर होता है कि कह कुछ भी सकते हैं लेकिन वो किया जाता है। 2023 में यहाँ पे चुनाव है, क्या वास्तव में बहुत जल्दी नहीं मच रही राजनीतिक दलों को जब सामने से तूफान दिखाई दे रहा है? दिखेगा कि क्योंकि कोरोना महामारी है और जब आती है तो किसी को कहती नहीं है, ना बीजेपी देखती है, ना कांग्रेस देखती है, ना गरीब देखती है, ना अमीर देखती है। और हमने सेकेंड लेयर देखी थी, क्या स्थिति बनी थी आपके, हमारे ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, बहुत भयावह स्थिति थी और लोग जिस तरह से तड़प रहे थे और जो हम कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये अब राजनीतिक तौर पर अब देखिएगा, मुकेश जी जो कह रहे थे कि एक सरकार रोक लगा दे, अमित शाह के जनप्रतिनिधि सम्मेलन पर रोक लगा दे, तो हम तैयार हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस की रैली है 12 तारीख की, इसलिए हम पे रोक लगी तो उनके भी रोक लगेगी। तो इसलिए ये राजनीतिक तौर पर निशाना साधने में मुकेश जी माहिर है, साधा है इन्होंने। अब तिवारी जी ने कहा हम देश के हित के लिए रैली कर रहे हैं, तो भाई देश के हित के लिए रैली तो दिल्ली में होनी चाहिए थी, फिर जयपुर में रैली करके क्यों कर रहे हो? आपको रैली नहीं करने दे रहे तो आप करिएगा, फिर जेल जाइएगा, सब कुछ करिएगा। आप देश की संसद पर प्रदर्शन करने वाले थे, राजस्थान में तो संसद है नहीं, नई विधानसभा चल रही है यहाँ पर और सरकार आपकी है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ किसको जगाने आ रहे हैं? क्योंकि अमित शाह का जवाब देंगे क्या? बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए राजनीतिक तौर पर निर्णय लेने से पहले निश्चित रूप से महामारी को ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो आपको बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि आप समय रहते इनको आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां नहीं पैदा कीजिए जिससे कि प्रदेश पे विपरीत परिस्थिति हो और गरीब मारा जाए। और जिसने देखिएगा प्रदेश के में प्रदेश भर के लोग आएंगे, कांग्रेस में देश भर के लोग आएंगे। आप देखिएगा जिस प्रकार से कह रहे थे कि हमने अमेरिका के प्रधानमंत्री को जब चुनाव से पहले बुलाया था गुजरात में अहमदाबाद में, आपको पता है, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया था, कहा था कि कोरोना आ गया और हो गया। आज कांग्रेस अगर करेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी आरोप लगाएगी, और बीजेपी ने दिल्ली में परमिशन नहीं दी तो मुख्यमंत्री जी यहाँ जयपुर में क्यों परमिशन दे रहे हैं 1,00,000 लोगों को आने की? क्योंकि उनकी उनके सरकार का जश्न है, वो 17 तारीख को मनाए, कोई मना नहीं करता, पूरे प्रदेश में मनाए। आप देखिए, आप प्रदर्शन कर सकते हैं पूरे प्रदेश में, करिए, जिले स्तर पे कीजिए, उपखंड स्तर पे कीजिए,
पूरे प्रदेश में होगा जयपुर। सुनिए तिवारी जी, सुनिए कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार में आप हो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के जनप्रतिनिधि ने सम्मेलन पे भी रोक लगाइए और जो आपकी रैली होनी है उस पर भी रोक लगाइए। आप ये मत कीजिएगा, कांग्रेस बीजेपी मत कीजिएगा, ये प्रदेश का भला है वो हित कीजिएगा। अगर कोरोना फैलने की संभावना है इसके कारण दिल्ली में रैली नहीं करने दे रहे तो राजस्थान में रैली क्यों हो रही है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है। राजनीतिक तौर पर तो स्वार्थों की पूर्ति दोनों की होगी। श्याम जी, तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। जी तिवारी जी, मैं ये कह रहा हूं योगेंद्र भाई, श्याम जी की बात सही है, लेकिन आदमी के खाने के सामान की अगर हम उचित दाम नहीं दिलाएंगे तो आज रोज आत्महत्या हो रही गरीबी को लेकर के। आप पवित्र उद्देश्य तो देखो, राजस्थान के जननायक ने राजस्थान की राजधानी को परमिशन दिए, करोड़ों लोगों का मामला है, करोड़ों करोड़ों लोगों का। अरे उच्च वर्ग के तो कुछ करोड़ होंगे, 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में 2 रुपए किलो का अनाज दे रहे हैं। वो 2 रुपए किलो का अनाज खाने वाला पकाएगा कैसे, सब्जी लाएगा कैसे, तेल खरीदना उसकी कीमत से बाहर है, उसकी जेब से बाहर है। राजस्थान की राजधानी में अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं उन गरीब और पिछड़े मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शाह आ रहे हैं, ये उनके सामने घोड़ी नचवाएंगे, पता नहीं कौन सा नाच करवाएंगे, ये रोड शो पूरे देश में भारतीय जनता। एक बार जाना चाहूंगा तिवारी जी, पवित्र देश और भारतीय जनता। मैं फिर कह रहा हूँ, सतीश पूनिया जी ने अपने जन्मदिन पे 50,000 लोगों की भीड़ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले आज हमसे कह रहे हैं। बंगाल में पीक कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम मंत्री वहां रोड शो कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जबकि तारीखें लागू नहीं है। एक काम करिए, तिवारी जी मैं एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहूंगा कि जनता को भ्रम में क्यों डाला जाता है। ये मुझे लगता है कि गाइडलाइनें भी जो आती हैं उनको भी बड़ी शर्मिंदगी आती होगी कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। हम केवल सामने वाले के तमाशे देख रहे हैं, गाइडलाइन नहीं आनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि भाई कोरोना के बीच ही रहना होगा, जो होगा तो होगा, कुछ नहीं हो सकता। गाइडलाइन यही कह देनी चाहिए। 303 सांसदों का बहुमत है, वो जो तय कर दे तमाम दल उनको मानेंगे, वो अपने लिए सारी छूट चाहते हैं और तमाम लोगों को बंदिश में रखना चाहते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार आम आदमी के सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और ये बात देश के प्रधानमंत्री ने भी माना। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी चिंतित नहीं है? कहां है ये बीजेपी चिंतित? चलिए मुझे वो आप बता दीजिए। सुनिए आखो जी, वो बता दीजिए कि कांग्रेस इस तरह से चिंता कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, मुझे बताइए मामले में। सर कोरोना के मामले में वो चीज मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस इस तरह से चिंतित है, बीजेपी ऐसे नहीं है। देखो अभी मुकेश भाई कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के बेटे चूंकि आरसी के अध्यक्ष वहां परमिशन दे दी, अरे उस समय भी इतना हल्ला मचाया था। आप बताओ लगभग 15 से 20 दिन के बाद में कहीं कोरोना हल्ला मचाने से नहीं भगेगा, ये को जंगली जानवर थोड़ी है कि हल्ला मचाने से भग जाएगा। कोशिश करेंगे हम, हमारे कार्यकर्ताओं को 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का हम पैगाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। जननायक ने अगर जिम्मेदारी ली है तो हम उनके स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ जन टीवी के साथ। सुना मुकेश जी, तो कुछ आप भी कह दीजिए, ये जवाबदेही है सरकार की और आश्वस्त कर रहे हैं जनता को कि आपको भरोसा रखना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे, वो पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे और जो रैली है वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश हित में रैली है, महंगाई के खिलाफ रैली है, इस वजह से कांग्रेस करना चाहती है। तो आप लोगों का एजेंडा जो है उसमें आप क्या भरोसा दिला सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कोरोना नहीं आएगा वहां पे? मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा और जो तिवारी जी ने बार बार अभी आज की डिबेट में एक शब्द उपयोग किया है, पवित्र उद्देश्य, कांग्रेस का बार बार पवित्र उद्देश्य और महंगाई को लेके इन्होंने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे। इनके जननायक का जो पवित्र उद्देश्य है, अगर इतना पवित्र उद्देश्य है तो केंद्र की सरकार ने जब पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी घटाई तो उस पर आपने पहले तो साफ नकार दिया कि मैं ड्यूटी नहीं घटाऊंगा, फिर जब पंजाब में घटी और इनके ऊपर जनता का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का जब वो पड़ा दबाव, तो
तो इन्होंने जाके ड्यूटी अपने यहाँ का वैट कम किया। और आज भी दुर्भाग्य से हमारे राजस्थान की पेट्रोल की दरें, डीजल की दरें अदर स्टेट से ज्यादा है। तो इनके जननायक को अगर इतनी चिंता है, तिवारी जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ, तिवारी जी मेरी बात सुनिए, तो आप के जननायक को अगर इतना ही था राजस्थान की, तो कम से कम महंगाई कम करते, उनके साथ ऐसा छल नहीं करते। एक बहुत बड़ा छल और इन्होंने अभी किया, जिसका भी तिवारी जी जवाब दे दे तो बेहतर होगा। अभी ने आके बिजली के, अगर आप जब बिल देखेंगे तो बिजली के बिलों में फिर इन्होंने वृद्धि कर दी। तो इस प्रकार का कृत्य एक तरफ कांग्रेस की सरकार करती है और दूसरी तरफ केंद्र के खिलाफ महंगाई के खिलाफ रैली कर रही है, तो ये दोनों पवित्र उद्देश्य नहीं है। इससे अपवित्रता तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब आप आइए मुद्दे पर। देखिए हमारी जो रोड शो जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो हमने उसको मिनिमाइज किया है। उसका जो हमने स्थान रखा है हमारी मीटिंग का, वो बहुत बड़ा हमने क्षेत्र और बहुत बड़े स्थान में हमने करने का वो तय किया है, जिसके कारण डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। जो रोड शो होगा उसका इस प्रकार का प्रबंध है कि लोग समूह में अलग अलग जगह पर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए रहेंगे। तो पूरा प्रयास है कि इस कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो और लोगों में इतनी ज्यादा नहीं हो, इसीलिए उसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को वहां पर करना पड़ा इतनी दूर। और वहां पर कार्यक्रम होगा तो मेरा ये मानना है कि जब इतने बड़े स्थान पर जब कार्यक्रम करते हैं तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो सकता है, मास्क का भी पूरा उपयोग हो, इस बात की पूरी वहां पर ये कोशिश। कार्यकर्ता कहीं के भी हो, कुछ आपके यहाँ से उधर गए हैं, कुछ उधर के आपके यहाँ पे आए हैं, तो कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है। तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस भी पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन करवाएगी, क्योंकि उनके पास में स्पेस बहुत है, कम नहीं है जहाँ पे करना चाह रहे हैं विद्याधर नगर में। देखिए इसमें एक फर्क है, मैं श्याम जी भाई साहब ने जो बात कही वो तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो प्रदेश स्तरीय है, आपके प्रदेश के ही लोग इसमें शामिल होने हैं। इन्होंने जो कार्यक्रम किया है पूरे देश का किया है, और ये बात बिल्कुल सही है, मैं कहने वाला था श्याम जी ने इस बात को कहा है कि जब लोकसभा दिल्ली में है तो राजस्थान में जहां पर आपकी सरकार है, यहाँ किसके खिलाफ आप प्रदर्शन करेंगे, यहाँ किसको वो प्रदर्शन दिखाएंगे। बेहतर होता कि आप देश की राजधानी में आपके पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करते, तो वो ज्यादा एक मैसेज जाता। मैंने इसीलिए प्रारंभ में कहा था कि इनका उद्देश्य जो बार बार ये पवित्रता की दुहाई दे रहे हैं, तो पवित्रता तो इन दो बातों की उससे ही खत्म हो जाती है कि पेट्रोल डीजल में आपने अपना हिस्सा कम क्यों नहीं किया टाइम रहते, आपने बिजली के दरों में अघोषित रूप से क्यों वृद्धि की। ये सारी चीजें जो है इनका कहीं भी पवित्रता नहीं है, इनका मात्र सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से इनकी पार्टी के अंदर जो कलेश चल रहे हैं नेतृत्व को लेके, सिर्फ उसको एक दिखावा करना मात्र। वसुंधरा जी से बात कर लो, अनिता बघेल ने नारे लगवाए हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो, राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री है कि वसुंधरा जी है, गुलाब कटारिया जी है, ये सोच करके तो अमित शाह को बुलाना पड़ रहा है। सही कह रहे थे अमित शाह जी, नड्डा साहब आपको नहीं सबक सिखाए, अब आपको चाणक्य को बुलाने की जरूरत पड़ गई। और मुकेश जी फिर मैं कह रहा हूँ, बिजली के दाम अगर बढ़ाने की बात थी, नियामक मंडल ने मना कर दिया, बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने कहा था कृषि बिलों को हम नहीं बढ़ाएंगे, पूरे 5 साल हमने किसानों को हमने राहत दी, किसी को हमने बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हो, केवल और केवल 2023 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा जो आपके यहाँ सर फुटबल हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको चाणक्य को बुलाने आपको पड़ रहा है। लेकिन जमानत जब्त कराने वाली पार्टी अचानक देश के प्रधानमंत्री आते विदेशी दौरों से और 5 रुपए का पेट्रोल 10 रुपए का डीजल क्यों कम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जीत रही है, जनता महंगाई से पीड़ित है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी हिमाचल की 1 लोकसभा 3 विधानसभा में हम इसलिए हारे कि महंगाई बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का आदमी महंगाई को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, ये एक बड़ी शर्म की बात है। आम आदमी से जुड़ाव नहीं है योगेंद्र भाई बीजेपी का। चलिए तो कुल मिलाकर के स्थितियां ये है, राजनीतिक दल पीछे हटना नहीं चाहेंगे, कोरोना कैसे पीछे हटेगा जब आप पीछे नहीं हटेंगे, तो क्यों कोरोना के लिए ये भी कहा जाता है कि बिना बुलाए मेहमान नहीं है वो, आप बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं विशेष आग्रह के साथ उसके पास जाके, तभी वो आता है। और ये देखना होगा कि ये स्थिति क्या बनती है। ओमिक्रॉन जिससे अभी तक देश बचा हुआ था वो एंटर कर गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए
जो उसका पता चला है साउथ अफ्रीका से ये दोनों पेशेंट आए थे और उन्हीं के माध्यम से एंटर किया है। अब वो किन से मिले हैं, क्या होगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत आई थिंक टीमें लगी हुई होंगी, वो सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये विशेषज्ञ मानते हैं कि 5 गुना तीव्र गति से, यानी कि डेल्टा से 5 times ज्यादा तरीके से, ज्यादा तीव्रता के साथ में ये स्प्रेड होता है। और अभी तक जो सामने आ रही है यूरोप की, अब हम बात कर लें तो यूरोप की जो स्थितियां बनी हुई हैं वो आप सबके सामने हैं। देश में अभी भी ऐसे 15 जिले हैं जहां पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से ज्यादा है, और 15 से 20 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी भी 5 से 10% है वो पॉजिटिविटी रेट। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। उसके बावजूद अगर हम लोग, क्योंकि यूपी में सहित 5 राज्यों में चुनाव होंगे, वहां पे रैलियां होंगी, दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, और क्या होगा ये भगवान मालिक है, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि गुजारिश की जा सकती है कि जहां भीड़ के कार्यक्रम टाले जा सकते हों, अगर सरकारों को लगता है कि कोविड का खतरा टला नहीं है तो टाले जाने चाहिए, क्योंकि ये जनहित में होगा। जनता के हेल्थ को अगर आप इस तरह से नजरअंदाज करेंगे तो उसका खामियाजा किसी को तो उठाना ही होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।